नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हटवा में हूँ और जैसा कि आप लोगों को मैं लगातार कई गांव के वीडियो दिखा रहा हूँ, ऐसे में आज मैं आया हटवा पर और जहाँ पर जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते हैं कि आवास आया और हमें आवास नहीं मिला। मैंने मुंडेरा में भी सुना था और कई लोगों को आवास नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं इन सभी को मैं दिखाऊंगा और सबको आवास मिला, ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। नाम क्या है? जावेद अहमद। आवास मिला आपको? हाँ मिला। ये देखिए हमारे साथ और भी हैं, इनको तो मैंने आपको दिखाया था। सर आपको भी आवास मिला? मिला है। यार ये जितने लोग लगभग खड़े हैं यहाँ पे और सबको आवास मिला है? हाँ मिला है जी जी। और ये सारा जो मेहनत करने वाले हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, प्रधान जी के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं सिबली जी हैं। और सर इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, कई जगह पे देख रहा हूँ प्रधान लोग का बड़ा बदनामी हो रहा है, पेपरों में भी नाम आ रहा है कि बस्ता बंद हो गया, तब उसके बाद अब दिख नहीं रहे हैं। नहीं, बस्ता बंद नहीं हुआ, काम हमारा अभी भी चल रहा है जी जी। 25 दिसंबर को हमारा जो है बस्ता जमा हो गया जी जी, उसके बाद भी अभी ग्राम पंचायत में काम चल रहा है जी जी। अभी 2 सड़कें हमने इटहा में बनवाई हैं। मतलब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं तो आदमी सोचता है मेरा काम खत्म। हाँ वो सरकार पैसा देगी, हम जो सरकार हमारे बजट में जो खाते में पैसा है उससे हम बनवा रहे हैं, परमिशन दे रही है, वीडियो हमको परमिशन दिए है। ये ईमानदारी ऊपर से तो लोग, उसके बाद जो पैसा हमको मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, पैसा तो हमारा मिलेगा, लेकिन विकास की योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, हम उसको करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। अभी भाई साहब के घर के पास बनवाए, इनका इटहा पे घर है, वहाँ 2 सड़कें नाली हमने बनवाई, एक सड़क से दूसरी सड़क जोड़ा। अब मान चलिए कि हटवा के अंदर 2 या 3 ऐसी गली बची होगी जो खड़ंजा होगी, बाकी अब कोई गली बची नहीं है। ये कितने सालों से यहाँ से प्रधानी आप? ये हम 2010 से यहाँ के प्रधान है, 2005 से 10 हमारे 2011 से 15 तक हमारे पिताजी थे और उसके बाद हमारी सिस्टर अब की वर्तमान समय में इस समय प्रधान है। ये दूसरी प्रधानी, इससे पहले सन 89 हमारे पिताजी। आप सभी लोग संतुष्ट हैं इनके कार्यों से? कोई गांव में परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बड़ी सबसे बड़ी खुशी की पब्लिक यहाँ की संतुष्ट है आपसे। मत है जो है, जो भी योजना है, अभी आप पे कोई दाग नहीं लगा? मतलब दाग नहीं लगे, अब दाग इसलिए नहीं लगे कि हमने जो है जनता काम किया है, जनता के बीच रहे हैं। यहाँ गल्ला राशन पानी का क्या माहौल है? मतलब उसे पूछिए, ये बताएं, सबको मिल रहा है? हाँ मतलब पूरे लॉकडाउन हमने जो है पूरे गांव वालों को सब्जी उब्जी जो है सब खिलाया पूरे लॉकडाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी जैसे आप जाते होंगे गल्ले की दुकान वगैरह पे, तो जैसे वो लोग अपना यूनिट काट लेते हैं कुछ, जैसे 5 देना तो 4 ही देते हैं, ऐसा कुछ होता है कि आप सारे? ये कई जगह पे लोग कर रहे हैं, उनके लिए हो रहा है। चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका आपसे मुलाकात करके। यहाँ पर और यहाँ के प्रधान जी के प्रतिनिधि कर रहे हैं सिबली जी से बात करेंगे। सर इसके बारे में कुछ बताइए। ये 2013-14 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समय ग्राम में जो है चयनित हुआ था, 13-14 में हटवा हुआ। उसमें पहली जो आवास आया था वो 1,20,000 रुपये आया था, फिर दोबारा 6 महीने बाद इसकी धनराशि बढ़कर 3,35,000 हो गई, जिसमें 2 कमरा, किचन, लैट्रिन बाथरूम और ये एक हॉल वो बना था, और सोलर पैनल हर घर में, और उसमें जो है बैटरी वगैरह और जो है ये आपका पंखा वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये जो है 2013-14 में ये नई यास्मीन बस्ती जो है, ये पूरी ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, इसको हम लोगों ने इन लोगों के नाम पट्टा करके एक नगर बसाया है यास्मीन नगर के नाम से। दादा क्या नाम आपका? कब से रह रहे हैं पे? अरे कम से कम होगा 3 साल। तो मकान कैसे मिला ये आपको? ये कैसे मिला मकान? मकान प्रधान जी ने। सारा मिल रहा है ना आपको, इसीलिए तो प्रधान चुना जाता है कि आपको सही सहारा मिल सके। दोस्तों देख
देख सकते हैं किस प्रकार से लोग रह रहे हैं और लगातार इनको जो सुविधाएं नहीं मिल पाती वो प्रधान जी द्वारा मुहैया कराई जाती है। काम बढ़िया हो रहा है सर यहाँ पे, सबको बराबर यूनिट पे दे रहे हैं ना सामान वगैरह, काट वाट तो नहीं रहे किसी का। दोस्तों देख सकते हैं आप सामने चावल वगैरह है और ये देखिए दादा ले जा रहे हैं। सर कुछ गड़बड़ तो नहीं होता आपके साथ, सब सामान मिलता है ना पास? ये पूरा गोदाम है यहाँ पर कटवा का।
बरकरार है आप लोग की सेवा से, बहुत से धन्यवाद। इसकी नया जो है कम से कम 18 सीढ़ी होगी, सीढ़ी से जो चलने वाली सीढ़ी होती है ना। अच्छा भी नीचे भी हाँ, नीचे भी सी हाँ, यार भाई यार अरे बाप 14 इंची 18 इंची 16 इंची टाइप हो गया। इससे ज़्यादा आया सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। माय नेम इज मोहम्मद अमजद। सर, इस गांव के बारे में कुछ बताइए, हटवा के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात, आज के हमने अपने आबा अजदाद से सुना है, अपने पूर्वज से सुना है कि 100 साल पहले यहां बहुत मर्डर होते थे, आपसी मर्डर होते थे। लेकिन उस मर्डर के ख़त्म होने का जो जरिया था, जो रास्ता था, वो शिक्षा थी, तालीम थी जी। लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ अपने बच्चों को, अपने आप को दौड़े और किसी भी चीज़ के लिए तरक्की के लिए, किसी भी लाइन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो शिक्षा होती है। एजुकेशन फर्स्ट है। शिक्षा के बारे में कहा गया, विद्या विहीना नरह मनुजस से पशु समाना, कि बगैर विद्या के, बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के जो इंसान है वो पशु के समान है। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो अभी आपको क्या लग रहा है, हटवा में कुछ तरक्की हुई है पहले बहुत से? ज्यादा तरक्की हुई है पहले के बनिस्बत, बहुत ज्यादा तरक्की हुई। लोग जो है लड़ाई झगड़े से दूर हैं, सब लोग अपने काम में बिजी हैं, अदर गांव के बनिस्बत। अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ आपके गांव में, ये मैं जानना चाहूंगा। कंप्लीट ये हुआ कि सबसे बेहतरीन बात यहाँ की है कि जो लोग क्या कहते हैं, खराब नालियाँ थी, खराब रोड थी, उसमें विकास आया। और हमारे प्रधान जी जो है, इनसे जो भी व्यक्ति कोई काम के लिए कहता है, ये हमेशा उस पर तत्पर रहते हैं। मौजूदा सरकार से कोई परेशानी नहीं? कोई नो प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट ग्राम प्रधान इन माय विलेज। थैंक यू सर।